सेनापति पांडुरंग महादेव बापट भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो क्रांतिकारी और गांधीवादी जैसे विविध विचारधाराओं के संयोजन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें पर्यावरण संरक्षक और सार्वजनिक स्वच्छता के समर्थक के रूप में भी याद किया जाता है। 12 नवंबर 1880 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पारनेर में जन्मे बापट ने उच्च शिक्षा के लिए पुणे के डेक्कन कॉलेज में प्रवेश लिया। यहीं पर वे दामोदर बलवंत भिड़े के संपर्क में आए और क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जाना। बाद में बापट एडिनबरा के हैरियट वॉट कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। वहां पर वे विनायक दामोदर सावरकर के संपर्क में आए और उनकी सलाह पर बम बनाने की तकनीक सीखने पेरिस चले गए। 1908 में बापट एक बम मैनुअल और 2 पिस्तौलों से लैस होकर भारत लौटे तो यहाँ के क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाने लगे। 1908 में ही अलीपुर बम कांड हुआ तो वह भूमिगत हो गए, किंतु पुलिस ने 1912 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 साल की कैद हुई। 1915 में रिहा होने पर उन्होंने लोकमान्य तिलक के अखबार मराठा में कार्य शुरू कर दिया। 1920 के दशक में वह गांधी जी के स्वराज दर्शन से आकर्षित हुए। उन्होंने किसानों की भूमि और आजीविका को नुकसान पहुंचाने वाले पुणे के बांध का विरोध करते हुए 1921 से 1923 तक मुलची सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसी विरोध के चलते उन्हें सेनापति यानी कमांडर कहा जाने लगा। सत्याग्रह में गिरफ्तारी के बाद 7 साल की कैद हुई। मुंबई में सुभाष चंद्र बोस की आम सभा में शामिल होने पर बापट को 3री बार जेल जाना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर बापट ने पहली बार पुणे शहर में तिरंगा फहराया और फिर उन्होंने गोवा के मुक्ति आंदोलन और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी भाग लिया। उन्होंने पर्चों, पत्रों, बयानों और निबंधों के माध्यम से राजनीतिक विचार व्यक्त किए। इसके लिए उन्होंने काव्य का भी सहारा लिया और चैतन्य गाथा, गीता हृदय, गीता सेवक जैसे काव्य की रचना की। 28 नवंबर 1967 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके बारे में साने गुरु जी ने कहा था, सेनापति में मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज, समर्थ गुरु रामदास और संत तुकाराम की त्रिमूर्ति दिखती है। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।